हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डीएन ऑनलाइन एकेडमी। मैं नेहा सिंह, मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो वीडियो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, ये टेक्स्ट बुक रिव्यू है, इंग्लिश में है, सोशल स्टडी की बुक का, क्लास सिक्स की हिस्ट्री बुक। और चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको उस टॉपिक का वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। ये टेक्स्ट बुक रिव्यू है, बुक का नाम जो है वो सोशल, टेक्स्ट बुक का सब्जेक्ट जो है वो सोशल स्टडी है, क्लास सिक्स है, सब्जेक्ट हिस्ट्री है और ऑथर का नेम एस राजन है और पब्लिशर जो है वाइवा एजुकेशन है और एडिशन जो है सेकेंड एजुकेशन है। फिर आ जाते हैं कैरेक्टर्स ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट बुक, ये इसका पॉइंट है। पहली जो इसकी हेडिंग है उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम एंड कंटेंट। फिर उसके बाद सेकेंड जो उसका हेडिंग है ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट, ये इसका पॉइंट टू है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट जो है लैंग्वेज एंड स्टाइल, लैंग्वेज और स्टाइल में जो पॉइंट्स आएंगे, इस बुक की लैंग्वेज कैसी है और उसकी स्टाइल कैसी है, वो चीज़ें आपको इसमें ऐड करनी। लर्निंग मटेरियल यानी कि उसमें टीचिंग और लर्निंग का मटेरियल कैसा है उसकी जानकारी आपको देनी रहेगी। फिर उसके बाद इलस्ट्रेशन, फिर गाइडेंस फॉर टीचर्स, टीचर्स के लिए क्या उसमें गाइडेंस है, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज, जो चैप्टर्स के बाद एक्सरसाइज होती है उसके बारे में लिखना है आपको। फिर उसके बाद डायग्राम्स के बारे में लिखना है, ये किताब जो है उसमें दिखाए गए डायग्राम की क्वालिटी कैसी है, किस प्रकार के डायग्राम हैं, वो चैप्टर को शूट कर रहे हैं या शूट कर रहे हैं, इससे रिलेटेड। फिर आगे आ जाते हैं समरी, चैप्टर की समरी जो होती है उसके बारे में आपको इसमें लिखना है कि इस बुक में समरी किस प्रकार की दी गई है। अगले पॉइंट पर आ जाते हैं फिर किताब की फिजिकल कंडीशन के बारे में हमें लिखना है, फिजिकल कंडीशन यानी कि बुक के पेजेस की क्वालिटी कैसी है, उसकी बाइंडिंग कैसी है, सारी चीज़ें। तो फिजिकल कंडीशन में जो पहला पॉइंट है वो पेजेस है, पेजेस की कंडीशन कैसी है, थिकनेस कैसी है, क्वालिटी कैसी है, ये आपको डालना है। फिर बाइंडिंग, बाइंडिंग के बारे में भी रखना है। फिर शेप, किताब का शेप कितना बड़ा है, क्या साइज है। प्रिंटिंग, किताब की प्रिंटिंग कैसी है उसके बारे में आपको लिखना है। फिर अदर पॉइंट्स में आपको जो उसमें कुछ आपको लग रहा है कुछ एक्स्ट्रा है, सब चीज़ें से हट के आपको उसके बारे में फिलहाल इस फाइल में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। क्लास सेवन की जो बुक है उसके बारे में पूरा रिव्यू करके लिखा हुआ। इसमें आपको निष्कर्ष बताना होगा कि ले देते हैं किताब कैसी है, तो ये हो गया आपकी टेक्स्ट बुक का रिव्यू। उम्मीद है आप लोगों के लिए यूजफुल होगी ये फाइल, आप
PDF अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF का लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो आप PDF वहाँ से ले सकते हैं। और इस किताब के बारे में लास्ट में आपको लिखना रहेगा सजेशन। अगर आपकी अपनी कोई राय है किताब को लेकर के तो आप सजेशंस में कुछ अपनी राय को डाल सकते हैं, और इस तरीके से आपका बुक रिव्यू कंप्लीट होता है।